अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड रोज़ा और ये सहरी से पहले का टाइम है। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो हम डिनर करके आए थे और फिर इस वजह से मैं मतलब या डिनर घर पे कर लें, इफ्तारी वगैरह, या किसी के घर चले जाएं तो रूटीन जो है, जो रेगुलर होती है डेली बेसिस पे, उससे हट जाती है। तो फिर क्या हुआ कि मेरी जो एडिटिंग है वो लेट हो गई और कुछ मैंने रात में की और कुछ मैंने सुबह में की। और सहरी के लिए वही अंडा और पराठा था और मैंने बच्चों का लेफ्ट ओवर पराठा खा लिया था और शहजाद को फ्रेश पराठे बना दिए थे। मिशारी को यहीं बाहर सुला दिया था ताकि अंदर होता ना फिर बार बार मम्मा मम्मा करता रहता, तो बस इसलिए वो भी यहीं सो रहा था। यहाँ पे शारजा में 4:51 पे सहरी ख़त्म होती है, यानी 5 बजे कह लें तो हम लोग 3:30 पे सहरी बनाते हैं। और बस पराठे ही बनाने होते हैं, अंडे बनाने होते हैं, क्योंकि पर्पज़ ये होता है कि सहरी करने के बाद पानी पीने के लिए भी टाइम हो और साथ में चाय पीने के लिए टाइम हो। तो उस टाइम को मैं इस तरह यूटिलाइज़ करती हूँ कि मैं तस्बीह कर लेती हूँ, पहले अशरे की ये दुआ है जो मैं भी कर रही हूँ, उसके अलावा मैं आपसे शेयर करती रहूँगी जो जो भी मैं तस्बीह पढ़ती हूँ। उसके बाद ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं जी जोहर के बाद का टाइम। नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए हम लोग। और शहजाद का आजकल ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो तो सारा दिन बस अपने लैपटॉप पे ही लगे रहते हैं, और मैं जो है वो बच्चों को टाइम वगैरह फिर मुझे ही सारा देखना होता है, स्टडीज वगैरह भी मैं ही उनकी देख रही हूँ। अभी मैं करने लगी हूँ वॉइस ओवर और थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। और एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं नॉर्मली रात में ये काम करके फ्री हो जाती हूँ ताकि नेक्स्ट डे वीडियो रेडी हो और आराम से अपलोड हो जाए। तो कल हम लोग आए हैं ना, तो उसके बाद गपशप घर पे भी करते रहे और फिर टाइम नहीं मिला कि मैं वॉइस ओवर करूँ। तो अभी करने लगी हूँ, आधे घंटे में हो जाएगी बस, उसके बाद फिर मेरी ये एडिटिंग डन है। सारे पजल्स बना लिए? ओके, गुड बॉय। मैं फ़ौरन फ़ौरन ही डे टाइम में इनके साथ ये गुड डीड्स एक्टिविटी कर लेती हूँ ताकि बच्चों के पास सारा दिन हो एक्टिविटी को परफॉर्म करने का अच्छे से। और दोनों बहुत एक्साइटेड होकर वेट करते हैं कि मामा फ्री हो जाएंगे, फिर मामा हमारे साथ एक्टिविटी करेंगी। यस, दिस इज फॉर यू। से अस्तगफिरुल्लाह 100 टाइम्स। यू कैन से 2 टाइम्स। से अस्तगफिरुल्लाह वंस अगेन। अस्तगफिरुल्लाह दैट मीन्स अल्लाह ताला प्लीज फॉरगिव मी। If I do bad, please forgive me. Okay? And you should also promise that you will not do bad again. Okay? Good boy. You're a good boy. चलें जी अपने अपने pom poms डाल। अगर अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं तो आपको 1 pom pom मिलता है। नहीं। चलो डालो, डालो। Okay. इली आप भी डालो। पहले मिशी डाले, फिर इली डाले। Okay. Look, I got green. Wow, good job. See? Wow, nice. Give me a pen. Okay. अब काउंट कर लूँ मैं कितने मैंने? हाँ हाँ, बाबा वेट कर रहे हैं। हाँ, मैं जल्दी से काउंट कर रहा हूँ। Yes, you can also count. Okay. Mama, done. 44. तो आपने एक कम डाला है ना? 38. Wow, कल आपके 35 थे तो फिर 45 होने चाहिए, आपने 9 डाले थे ना। You should get one more. Yes, for being nice and kind. असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और बस उसके बाद तस्बीह करूँगी। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप नमाज़ पढ़ते हुए क्यों नहीं दिखाती हैं, तो लास्ट टाइम मैंने एक बार दिखाया था। वही बात है कि हम ऐसे तो मुस्लिम हैं नहीं कि बस इस्लाम का हर हर नॉलेज है, तो एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था और रेफरेंस के साथ बताया था कि हमें मतलब अपने आप को इस तरह से पब्लिकली नमाज़ पढ़ते नहीं दिखाना चाहिए, तो उसके बाद से मैं नहीं दिखाती। इबादत से फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाना था और साथ में इफ्तारी बनानी थी। तो बस ये बर्तन ज़रा थोड़े से जल्दी जल्दी धो दिए, थोड़े से ही थे, और साथ में ये पफ पेस्ट्री जो है ना निकाल के डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इनसे मैं बनाऊँगी डोनट्स। और यहाँ पे मैं मीट पाई बनाने के लिए मैंने ले लिया मैदा, और इसमें जो इंस्टेंट यीस्ट होता है वो ले लिया, साथ में नीम गर्म पानी से इसको मैंने सॉफ्ट सा बिल्कुल गूंद लिया, लेकिन मैं इसमें शुगर डालना ही भूल गई थी तो ये साइज़ में डबल नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है थोड़ा सा भी फिर मैदा फूलने में, लेकिन जितना सा मेरे पास टाइम था उसमें भी डबल नहीं हुआ। सो मेक श्योर कि आप इसमें शुगर भी डालें।
रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लें। अच्छा जी, अब हम मीट फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं और इसमें बेल पेपर डाल दिए। आपके पास रेड येलो नहीं है तो आप ग्रीन डाल दें। तो उसके साथ में मैंने ये बीफ का कीमा ले लिया। अभी मैंने इसमें ऐड किया है नमक और साथ में ये जीरा पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और ये टोमेटो पेस्ट, और साथ में हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च। तो टोमेटो पेस्ट और जो ज़ीरा पाउडर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो यहाँ पे हम पाइस लेके खाते हैं ना अरब स्टाइल में, तो उसमें ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी कुजीन में। तो उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी आलू कीमा बनाने के लिए ऑयल, उसमें प्याज और ये ज़ीरा डाला है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। प्याज हमने बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना क्योंकि बीफ का कीमा वैसे भी डार्क हो जाता है थोड़ा पक के। तो मैंने इसके अंदर बस टमाटर डाल दिए हैं और जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया। इसको बस हम इस तरह से सौते कर लेंगे, थोड़ा स्टर फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छी सी खुशबू आ जाए, मसाला ज़रा अच्छा सा बन जाए। फिर उसके बाद यानी इसके अंदर मैंने ये डाल दिया बीफ। जब मैं फ्रेश बीफ लेती हूँ तो इसे मैं वॉश करके डालती हूँ, और फ्रोज़न मिंस में तो मैं सिर्फ चिकन का लेती हूँ, बीफ या मटन का फ्रोज़न तो मैं लेती ही नहीं हूँ। तो खैर, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि लम्स ना बने, उसे कुक होने के लिए रख दिया। यहाँ पे पफ पेस्ट्री जो है ये सॉफ्ट हो गई थी, डिफ्रॉस्ट हो गई थी, मैंने इसको कट कर लिया सर्कल्स में और अब इस तरह से मैं डोनट की शेप दे रही हूँ इनको। जो लेफ्ट ओवर पफ पेस्ट्री होगी उसको भी मैं कोई शेप बना के तो बेक कर लूँगी। तो इसको मैंने रख दिया एयर फ्रायर में। मैं अपने एयर फ्रायर को प्री हीट नहीं करती हूँ, डायरेक्टली 200 डिग्रीज पे मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए रख दिया था, लेकिन अगर आप ओवन में करेंगे तो आप पहले प्री हीट कर लें। एयर फ्रायर तो फौरन से काम स्टार्ट कर देता है ना, तो मुझे लगता है प्री हीटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं कीमे की भुनाई भी कर रही हूँ, साथ साथ में ये हो गए हैं रेडी और इनको मैं निकाल के रख लूँगी और ये हमारे डोनट्स रेडी हो गए। बस इसके हम ग्लेज बना लेंगे। उतनी देर में ये जब भुनाई हो गई है तो मैंने इसमें डाले हैं आलू और थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी। आलू थोड़े से किनारे उनके जो है ना ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे, तो फिर मैं उसके अंदर पानी डाल के इसको हल्की आग पे पकने के लिए रख दूँगी। और जो जो डो है वो बिल्कुल भी राइज नहीं हुई थी, तो खैर लेकिन क्या होता है कि पक तो जाती है, ऐसा नहीं कि पकती नहीं है और ना ही हार्ड होती है, सिर्फ ये कि थोड़ी सी डेंस हो जाती है, थिक हो जाती है। अगर यीस्ट अपना काम दिखाएगा, उसको शुगर, उसको फूड ही नहीं मिला तो खैर वो अपना काम दिखाएगा, तो फिर ये है कि फ्लफ अप हो जाती है ना, तो फिर सॉफ्ट बनती है। तो अभी इसमें डेंस बनी थी बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। तो आप इसमें शुगर ज़रूर डालिएगा। ये लेफ्ट ओवर पफ पेस्ट्री है तो इसको मैंने रेक्टेंगल्स काट के इसको भी बेक होने के लिए रख दिया है। तो ये मैंने इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगाई है और हल्की आग मैंने नीचे की हुई है और साथ में मैंने ये डाल दिए हैं इसके ऊपर मीट फिलिंग। ये अच्छी तरह से फिलिंग डालने के बाद आपने, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे इसके ऊपर पुदीना थोड़ा सा या धनिया डाल दें और बस इसको फिर मीडियम फ्लेम पे कुक कर लें। हल्की आग पे आपने कुक नहीं करते रहना, फिर उसमें यह कि नीचे से डो एक्स्ट्रा ही क्रंची सी हो जाती है। मैंने हल्की आग इसलिए सिर्फ रखी थी जब तक मैं इसकी असेंबली कर रही थी, ताकि नीचे से जल ना जाए। कच्ची डो के ऊपर मैंने पका हुआ कीमा रखा है, साथ में मोज़रेला चीज़ है और ये मैंने दूसरा तवा रख दिया है क्योंकि ये बेस्ट इसको कवर कर लेता है। कीमा रेडी हो गया, इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और बस इसको मैंने स्टर कर दिया है। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें और साथ में धनिया डाल दिया है। ये जो कीमा होता है ना, इसमें साथ में हरी मिर्चें काट के इसको भुना जाए ना तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन बच्चों की वजह से मैं इस तरह कर नहीं सकती। ये हो रही है जी ग्लेज तैयार डोनट्स के लिए। इसके लिए मैंने ये पाउडर शुगर ली थी और अभी ये पैकेट में से मैंने इसमें वेनिला पाउडर डाला। आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें रेसिपी के लिए। तो बस इसको मैंने मिक्स कर दिया, ग्लेज रेडी हो गया। उतनी देर में मैंने ये समोसे जो है ना वो 200 डिग्रीज पे तकरीबन ऐसे 15-14 मिनट्स के लिए मैंने इनको बेक होने के लिए रख दिया। ये समोसे मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। शहजाद ने कहा था इस पर रेडीमेड घर पर ना मेहनत करो, तो मैंने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली थी सो मैं बात मान गई। तो ये मैं ग्लेज जो है ना ये इसमें डिप कर रही हूँ, ये इनको जो हमारे पफ पेस्ट्री डोनट्स हैं, और ये बिल्कुल क्रंची से मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं और ग्लेज लगाने से बिल्कुल भी सौगी नहीं होते। सो आपने बिल्कुल बेफिक्र होकर इसके ऊपर ग्लेज लगानी है। और फिर साथ में मेरे पास ये था पिस्ता, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया और हमारे डोनट्स रेडी हो गए हैं।
ये है जी हमारी इफ्तार टेबल। इसमें कुछ तो लेफ्ट ओवर दही बड़े हैं और साथ में कुछ लेफ्ट ओवर फ्रूट चाट भी है। तो ये है हमारी मीट पाइज, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आया। और ये है हमारे पफ पेस्ट्री डोनट्स, और ये साथ में फर्स्ट रोज़े की फ्रूट चाट और फर्स्ट रोज़े के ही दही बड़े, क्योंकि सेकंड रोज़े पे तो हम इफ्तार पे इनवाइटेड थे तो हमने घर पे तो खाया नहीं था, तो वही फिर हमें थर्ड डे खा के ख़त्म करना था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मीट पाए है उसका क्लोज़र लुक। मेरी रेसिपीज़ को आप हमेशा फॉलो करते हैं और इन्जॉय करते हैं, सो इस वजह से ये भी ज़रूरी होता है कि एंड रिज़ल्ट जो है वो भी दिखाना हो कि फ़ाइनल लुक तो कैसी आई है लेकिन टेक्सचर में किस तरह की है रेसिपी। तो इस वजह से मैंने अपनी प्लेट में सारे वही समोसे, वही मीठी चीज़ें, वही मीट पाए, सारा कुछ वहीं रख के जल्दी जल्दी से आपको दिखा दिया ताकि उसके बाद मैं सुकून से फिर अफ्तारी कर सकूँ। तो ये ज़रूर ट्राई करें, पफ पेस्ट्री वाले डोनट्स तो इतने मज़े के हैं, बहुत सिंपल हैं। और ये मीट पाए जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आप ये देखें कि बेशक ये साइज़ में डबल नहीं हुई लेकिन फिर भी ये अकड़ी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सी है और बहुत अच्छी बनती है। सो मेरे से तो मिस्टेक हुई है लेकिन अगर आपने शुगर स्किप भी करनी हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एनीवे सारे इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये जो फिलिंग है ये भी बहुत टेस्टी होती है, इसमें आप स्पाइस सॉल्ट वगैरह अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें और बाकी फिर आप भी टर्किश मीट पाए के मज़े अपने घर बैठे उठा सकें। अभी हम मगरिब की नमाज़ से फ़ारिग हो चुके थे और साथ साथ तस्बीह चल रही थी और साथ साथ मैंने शहजाद से कहा कि मुझे चाय बना दें क्योंकि वो बेस्ट चाय बनाते हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेपराइज़र ऑयल जो है वो ऑन कर लेती हूँ ताकि थोड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो बस ये काम चल रहा था, साथ साथ डिस्कशन क्या चल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मिशारी ने खाना पीना एकदम से क्यों छोड़ दिया है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है वो टीदिंग तो नहीं कर रहा, मुझे तिहामी की बार याद नहीं है कि उसके जो पिछले वाले दांत थे वो कौन सी एज में निकलने शुरू हुए थे। तो आप में से जिनके बच्चों के पीछे के दांत निकल रहे हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा। वैसे तो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है लेकिन अपनों से पता चल जाए तो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो खैर फिर शहजाद मुझे कह रहे थे कि उसको चेक करना क्योंकि मुझे तो चेक नहीं करा रहा। तो मैंने फिर इसको बुलाया और इसको चेक किया तो टीदिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बस वैसे शायद उसके वो ना एज ऐसी है कि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक हुआ पड़ा है और उसने काफ़ी ज़्यादा वेट भी लूज़ किया। एक तो बीमार बार बार हो रहा था और फिर यह कि बच्चे बीमार हो तो वैसे ही खाना पीना छोड़ देते हैं। तो बस प्यार से खेल खेल के थोड़ा हम खिला लेते हैं लेकिन चलें हर फेज इस तरह का बच्चों की लाइफ में आता ही है, वो भी गुजर जाएगा। आज क्या हुआ कि आज मैंने सहरी में ना खजूरें नहीं खाई थी। जब से कोरोना हुआ ना मेरा शुगर लेवल बहुत जल्दी ड्रॉप होता है तो मैं खजूरें खा लेती हूँ 4-5 ना तो फिर मैं सही रहती हूँ, पूरा रोज़ा मेरा अच्छा गुजरा है। 2 रोज़े, आज थर्ड रोज़ा है और मैंने सोचा कि आज खजूरें नहीं खाती क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर्स भी तो वेट गेन ही कराएंगी तो चलो नहीं खाती ना, तो नहीं खाया और मेरी हालत ख़राब हो गई। हालांकि मैंने विटामिंस भी लिए थे और मैं ऐसे हो गई थी कि बस गिरने वाली हूँ ना, तो इतनी थक गई थी। थकी नहीं थी, जितना नींद आ जाती है और ऐसे लगता है कि बस ना अभी बस कहीं बैठ जाएं और बस पता नहीं थक गए हैं या क्या हुआ है लेज़ी और स्लो हो जाता है बंदा। तो खैर अभी चाय पी रही हूँ, रोज़ा खोल लिया, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पीते पीते मैंने मिशारी को होमवर्क करवाना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये वो क्लास वर्क है जो टीचर्स क्लास में करवा रही हैं, तो मैंने जब इनकी टीचर्स को बताया कि वो इस वीक भी नहीं आएगा स्कूल तो डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा घर पे रखें उसको, तो उन्होंने बोला कि हम फिर आपको जो है शीट्स भेज दिया करें और आप प्लीज़ उसको वर्क करवा दिया करें ताकि चलें वो थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस में रहे। तो इस वजह से जी फॉर ज़ेब्रा था उसका चल रहा और नंबर 10 था जो उसने लिखना था और कलरिंग करनी थी तो उसको करवा दी थी साथ में काम, और साथ में तिहामी को भी करवाना कर दिया क्योंकि उसकी भी वेकेशन ख़त्म होने वाली है, ये लास्ट वीक चल रहा है। और शहजाद जो है पहले अपना ऑफिस का वर्क कर रहे थे, इस वजह से वो नहीं पढ़ा सके थे हामी को, और फिर बस वो तरावी पढ़ने चले गए और मैं लेके बच्चों को बैठ गई। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कंप्लीट हो गया था, अपने लिए तो टाइम निकल ही नहीं पाता है ना, बिल्कुल बस बच्चों के इर्द गिर्द फिरते रहें, घर के इर्द गिर्द फिरते रहें। लेकिन खैर इसमें भी अपनी एक खुशी मिलती है, अपना एक मज़ा है। चाय जो है वो कम से कम मैंने सुकून से पी ली थी, वरना अगर मिशारी कह रहे ना कि मामा प्ले विद मी तो बस फिर चाय भी सुकून से नहीं पी जाती।
यहाँ पे तरावियाँ 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती हैं और शहजाद 9 बजे तक घर आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से घर को क्लीन अप कर देती हूँ और फिर साथ में नमाज़ पढ़ के बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्री हो जाती हूँ ताकि फिर हम लोग बाहर जा सकें। ज़रूरी काम थे सारे, वो करने थे, वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में सारे शेयर कर लूँगी। और बस फिर डे हमारा एंड हो गया था और फिर उसके बाद जब मैंने वापस आना था फिर मैंने बैठ के एडिटिंग करनी थी। तो खैर ये था हमारा दिन, आई होप आपको रूटीन अच्छी लगी होगी। और अपने लिए तो टाइम मैंने निकालना ही होता है नो मैटर मैं कितना भी बिजी हूँ। तो ये मैंने एनग्रेविंग बुक ली हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हालांकि बच्चों के सेक्शन में थी लेकिन इसमें से मैंने वो वाली ले ली थी बुक्स जो कि हम बड़े भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एनग्रेव किया है लव एंड पीस, और ये प्यारा सा एक फ्लावर और साथ में पीस साइन। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सुकून रखें हमेशा से, हमेशा के लिए, और आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाएं, आपकी नमाजों इबादतों को हर चीज़ को कबूल फरमाएं और आपको बे इंतहा रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रोज़े पे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।